हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैंसर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर थर्ड है, द यूनियन लेजिस्लेचर्स द पार्लियामेंट, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, डिफरेंट बिटवीन, आपको डिफरेंसेस बताने हैं। एक तो होता है आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखें कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा है वो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिसे हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है, या आपका अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है ये जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स, यहां पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज मेड अप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। देन थर्ड पॉइंट आता है कि नॉट अ परमानेंट बॉडीज इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आफ्टर विच फ्रेश इलेक्शन आर हैड। थर्ड इसमें आएगा कि अ परमानेंट बॉडी वेयर ईच मेंबर हैज अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, अ थर्ड ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। मीन्स ये आपका लोअर हाउस है या अपर हाउस, डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट होता है लोकसभा में, राज्यसभा में इलेक्टोरल जो कॉलेज होते हैं वो इनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर लोकसभा में आपका कि ये परमानेंट बॉडी नहीं है, ये जो है आपका परमानेंट बॉडीज है। देन सेकंड आता है आपका ऑर्डिनरी बिल और आपका मनी बिल है, इसमें डिफरेंसेस आपको बताने हैं। पॉइंट्स देखें तो ऑल बिल्स अदर देन मनी बिल्स आर ऑर्डिनरी बिल्स। मनी बिल को छोड़कर जितने भी बिल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। मनी बिल्स डील्स विद इनकम एंड स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट आर मनी बिल्स सच एज टैक्सेस, बोरोइंग, एक्सपेंडिचर्स। मतलब जो भी बिल्स, जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं, आवक और जावक खर्चे से है, तो इसको हम मनी बिल कहते हैं। सेकंड इसमें कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बाय एनी मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टीज आर अपोजिशन। मीन जो ऑर्डिनरी बिल है उसको किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लाया जा सकता है। और कोई भी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हो सकते हैं या फिर अपोजिशन के मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी ला सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को। बट मनी बिल्स में देखिए, कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एंड बाय द रूलिंग पार्टीज। मीन्स ये जो है सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है और रूलिंग पार्टी के द्वारा लाया जाता है। स्पीकर हैज टू सर्टिफाई इट एज अ मनी बिल, और ये बिल है उसको स्पीकर सर्टिफाइड करता है कि ये मनी बिल है। देन नेक्स्ट आपका डिफरेंसेस में देखिए, आपका आता है अर्जेंटमेंट मोशन और आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट की वेन अ अर्जेंटमेंट मोशन इज मूव द टॉपिक ऑफ करेंट डिस्कशन इज पोस्टपोन एंड अ टॉपिक ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इज टेकन फॉर डिस्कशन। मीन्स अर्जेंटमेंट मोशन में क्या होता है कि जो दो भी करेंट जो टॉपिक चलते रहता है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, और उस टॉपिक को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर इंपॉर्टेंट है, तुरंत डिस्कशन किया जाता है। नो कॉन्फिडेंट मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इफ द पार्लियामेंट लॉज कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और देयर फंक्शनिंग। मतलब नो कॉन्फिडेंट मोशन है वो लोकसभा में लाया जाता है जब पार्लियामेंट को लगता है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या फिर उसके जो फंक्शंस है वो लॉज कॉन्फिडेंट को लूज कर गए हैं ना, मतलब वो उनके पास नंबर पर्याप्त नहीं है या फिर वो अपने वर्किंग में सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, तब ऐसे सिचुएशन में नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें देखें, यहाँ से इट कैन प्ले अ रोल इन रिवॉल्विंग द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। देन यहां पर आता है इफ पास बाय अ सिंपल मेजोरिटी द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन कलेक्टिवली। मीन्स ये जो है क्या होता है कि जो अर्जेंटमेंट मोशन में जो फेलियर, गवर्नमेंट का फेलियर दिखाया जाता है, और जो अगर नो कॉन्फिडेंट मोशन पास आउट हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सभी को रिजाइन देना पड़ता है। देन नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आवर्स और जीरो आवर्स में डिफरेंस बताने हैं आपके। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द फर्स्ट आवर्स ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज नॉन एज अ क्वेश्चन आवर्स। मतलब जो भी कोई जो कोई भी सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो उसका जो फर्स्ट आवर्स है उसे हम क्वेश्चन आवर्स के रूप में जानते हैं। जीरो आवर्स होता है द पीरियड आफ्टर द क्वेश्चन आवर्स एंड बिफोर द रेस्ट ऑफ द डेज वर्क इज कॉल्ड जीरो आवर्स। मतलब क्वेश्चन आवर्स और बाकी जो पूरा जो दिन जो चलता है, तो उससे बीच का जो पीरियड होता है उसे हम जीरो आवर्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि ड्यूरिंग दिस आवर्स द मेंबर कैन क्वेश्चन मिनिस्टर एंड राइज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजन और पॉलिसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आवर्स में मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर से उनके जो डिसीजन है, उसके जो पॉलिसीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। बट जीरो आवर्स में क्या होता है कि मेंबर कैन राइज क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस आवर्स दिस टाइम। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेंबर्स हैं वो पीपल से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक से संबंधित कोई भी इश्यूज है यहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं।
देन नेक्स्ट आता है कंप्लीट द एनालॉजीज। इसको आपको कंप्लीट करने, जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं तो राज्यसभा में क्या होते हैं, तो राज्यसभा में आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो हेड होते हैं राज्यसभा के। देन आपका आता है मानसून सीजन ऑफ द लोकसभा, जो है जून जुलाई में होता है। उसी तरीके से फरवरी और मई में कौन सा सेशन होता है, तो वो होता है आपका बजट सेशन। यहाँ पर बजट सेशन आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आवर, जो आपको रिलेट करते हैं, जैसे जीरो आवर्स में द पीरियड आफ्टर क्वेश्चन आवर्स होता है, तो क्वेश्चन आवर्स होता है कि जो फर्स्ट वर्किंग आवर्स होता है ना, तो फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट वो क्वेश्चन आवर्स, और जीरो आवर्स जो है पीरियड जो है आफ्टर क्वेश्चन आवर्स। देन नो कॉन्फिडेंट मोशन, तो यहाँ पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आता है, तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट क्या आता है, तो वो आता है आपका इम्पीचमेंट आता है। तो ये आपकी कंप्लीट द एनालॉजीज। देन नेक्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट आता है द पार्टी इन्वाइट बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर शुड हैव वोन, जो प्रेसिडेंट जिनको अपॉइंट करता है ऐसे पार्टीज को कि आप गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कीजिए, तो उसको क्या होता है कि जो क्या होगा, मोर देन 2/3 ऑफ सीट इन पार्लियामेंट या फिर मोर देन हाफ ऑफ सीट इन पार्लियामेंट, सी या डी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन हाफ ऑफ द सीट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जितने सीट्स है उससे ज्यादा जो है सीट्स है वो, उससे आधे से ज्यादा जो सीट्स है वो जीते होने चाहिए, तो उनको राष्ट्र प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है, इन्वाइट करता है। देन सेकंड, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू बी इम्पार्टियल। दिस मींस दैट क्या होगा कि उनको डिस्करेज या अपोजिशन मेंबर्स है आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस एंड वेस्टिंग द टाइम, ये नहीं होगा। दे हैव टू इनकरेज द मेंबर टू अपोजिशन पार्टी टू आस्क क्वेश्चन। दे शुड नॉट फेवर द पॉलिटिकल पार्टीज दे कम फ्रॉम इन द लोकसभा, या फिर दे शुड कास्ट देयर वोट टू रिजॉल्व द डेडलॉक इफ देयर इज अ टाई आफ्टर वोटिंग। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई उनको किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करना है, क्योंकि ये वो एज अ लोकसभा स्पीकर है। देन थर्ड आता है, मिस्टर एक्स हैज बीन इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन राजस्थान, दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज, यहाँ पर अब जो है राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से, राज्यसभा से, राज्यसभा में इलेक्ट हुए तो राजस्थान से हुए, तो कौन से स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं है। तो राज्यसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर राज्यसभा मेंबर आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, या फिर ऑल द राज्यसभा मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर ऑल द राज्यसभा मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो कैन नॉट बी ट्रू कहा गया है, तो आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा मेंबर आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। यहाँ पर जो है कैन नॉट बी ट्रू, ऐसे वाले ये पॉइंट्स आपके क्या है कि यहाँ पर जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली जो है पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है, कैन बी ट्रू होना चाहिए यहाँ पर, है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट से रिलेटेड कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंप्लीमेंटेड द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय द इंपीचमेंट प्रोसेस, ये तो आपका ट्रू है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंपीच इफ दे रिफ्यूज टू साइन अ बिल इन टू अ लॉ, ये नहीं होगा। द इंपीचमेंट मोशन हैज टू बी पास इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय 2/3 मेजोरिटी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन दिए हुए, तो डी हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और आपका जो फोर्थ पॉइंट है, जहां पर पार्लियामेंट है वहीं पर इंपीचमेंट लाया जाए, प्रोसेस स्टार्ट होता है इंपीचमेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट को हम हटा सकते हैं, और कोई भी हाउस है चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा, वहां पर 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देन आंसर द क्वेश्चन आता है, फर्स्ट देखें व्हाट आर द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा नाउन एज, मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। तो आंसर में देखें, द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एमपीज, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपीज के रूप में जानते हैं, कहते हैं। देन वुड वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट इनकरेज मोर पीपल टू कास्ट देयर वोट इन इलेक्शंस, थिंक एंड आंसर। जो सीक्रेट बैलेट होता है ना कि भाई हम जो जाकर वोट देते हैं तो हमें किस दूसरे को, हमारे अलावा किसी और को पता नहीं होता कि हम किसको वोट कास्ट किए हैं। सो आंसर देखें, यस, वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट विल इनकरेज मोर पीपल टू वोट बिकॉज दिस विल गार्ड पीपल्स प्राइवेसी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रॉब्लम दैट कुड रिजल्ट इफ द चॉइस दे मेड वाज नॉन पब्लिकली। मतलब इससे क्या होता है सीक्रेट बैलेट से कि पीपल्स को जो है उनको प्राइवेसी मिलता है कि भाई उसने किन को कास्ट किया है, वोट किन को दिया है, ये किसी को नहीं पता होता। अगर लोग जो किसी को पता चल गया तो कोई जो सही व्यक्ति नहीं है वो अगर हार गया तो फिर क्या होगा कि वो जो है उन पर क्या कर देगा, किसी भी तरीके से हमला कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसने उसको वोट नहीं दिया है।
तो प्राइवेसी होता है, इस कारण से ज्यादा लोग जो है वो क्रॉस करने आते हैं। देन व्हाट आर द थ्री सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर? थ्री डिफरेंट सेशन पार्लियामेंट से क्या है, तो आपको पता है थ्री डिफरेंट सेशन आर पार्लियामेंट। एक जो होता है आपका बजट सेशन जो फरवरी मई में होता है, फिर आपका सेकंड होता है मानसून सेशन जो आपका जुलाई अगस्त में होता है, और दो थर्ड होता है द विंटर सेशन जो आपका नवंबर दिसंबर में होता है। तो अभी आप देखोगे तो मानसून सेशन आपका ऑलरेडी रन कर रहा है, चल रहा है जुलाई अगस्त में। विंटर सेशन ठंड का समय होता है, तो वहां पर नवंबर दिसंबर फरवरी और मई में बजट आता है, तो वो बजट सेशन चलता है। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है फोर्थ नंबर का कि व्हाट क्वालिफिकेशन शुड अ पर्सन हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के मेंबर्स बनने हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो आंसर में हो जाएगा टू बी क्वालिफाइड टू मेंबर ऑफ द लोकसभा अ पर्सन, पर्सन को क्या होना चाहिए, शुड बी एन इंडियन सिटीजन अबाउट 25 इयर्स ऑफ एज, वो एक इंडियन सिटीजन हो जिसका एज जो है 25 इयर्स हो। देन शुड बी नॉट बी बैंकक्रप्ट ऑफ मेंटली अनस्टेबल, मतलब वो बैंकक्रप्ट, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन नहीं पटाया तो बैंक ने उसको बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया, ऐसा भी बंदा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मेंटल जो अनस्टेबल, मतलब जिनका माइंड जो है सही से काम नहीं कर रहा है, जिसे हम अनस्टेबल अनसाउंड माइंड भी कहते हैं ना, जिसे जनरली कॉमन लैंग्वेज में पागल बोल देते हैं, तो वैसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। शुड नॉट होल्ड अ सैलरीड गवर्नमेंट जॉब, मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए जहां से उसको सैलरी मिलता हो। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट क्वालिफिकेशन शुड अ पर्सन हैव टू बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो कॉमन है, एक जो चीजें हैं वो चेंज बस है, वो है आपका कि शुड बी एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और एज जो है उसका क्या होना चाहिए, 30 इयर्स। हमने लोकसभा में देखा था तो 25 था, और राज्यसभा में क्या हो जाता है, वो 30 हो जाता है। बाकी सब कॉमन है कि शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट और अनसाउंड माइंड, या फिर जिसे अनस्टेबल माइंड है वो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी सैलरी जो गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं होना चाहिए। तो एज डिफरेंस है, बाकी सभी जो है इक्वल आपको सेम मिलेगा देखने को। उसमें लोकसभा में 25 था, यहाँ पर आपका 30 इयर्स है। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर इन डिटेल वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ इलेक्शंस टू द लोकसभा हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इलेक्शंस होता है तो वो लोकसभा का कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है? तो आंसर देखें, सो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कंस्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंस्टिट्यूएंसीज, जहां से जो है फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसीज एनी मेंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस, दे कैन बिलोंग टू डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज आर बी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। मतलब डिफरेंट जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ है तो वहां से एक मेंबर जो है चुन के आता है, तो कितने भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, कोई भी पोलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, या फिर बिना पोलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं। देन ऑल सिटीजन जो जिनका एज है 18 इयर्स, वो वोट देते हैं कैंडिडेट को, चूज करते हैं थ्रू सेक्रेट बैलेट। देन द कैंडिडेट हु गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स वो फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आर एमपीज। मतलब जिसको ज्यादा नंबर्स वोटिंग मिला, जिनको ज्यादा वोट मिला, वो विनर हो जाता है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी बन जाता है। देन द पार्टी दैट गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इफ नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी अ कोलिजन गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय लाइक माइंडेड पार्टीज। मतलब जिस पार्टी को जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा से सीट्स है वो उनको मिलता है, तो वो प्रेसिडेंट उनको इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट के लिए। अगर किसी को सिंगल पार्टी को नहीं मिलता है तो वहां पर कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, जहां पर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है आपस में मिलकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। देन अदर पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट बिकम द अपोजिशन इन द लोकसभा। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, उसे अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड आता है आपका ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द डिफरेंट स्टेज बाय विच अ बिल बिकम अ लॉ। अब यहां पर आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं, मैं तो डायरेक्टली लिख दिया, आप उसको चार्ट बना सकते हैं। जैसे द स्टेज बाय विच द बिल बिकम अ लॉ, यहां पर आपका आता है फर्स्ट रीडिंग, है ना। फर्स्ट रीडिंग में इसको आप एक बॉक्स बना सकते हैं इस तरीके से, ये एक बॉक्स बन जाएगा आपका। फिर उसके नीचे एरो डाल के आप सेकंड पॉइंट, सेकंड रीडिंग डालेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन होता है, जहां पर जो मेंबर है वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी हाउसेज है वहां पर, और जो कॉपीज है द बिल्स गिवन टू ऑल द मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं उनको कॉपीज दे दिए जाते हैं। द इंट्रोड्यूसिंग मेंबर एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ द बिल, जो इंट्रोड्यूस करते हैं जो मेंबर्स, वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस पर्पस से वो बिल लाया जा रहा है। फिर सेकंड रीडिंग होता है, इसमें क्या होता है, द बिल इज थ्रूली डिस्कस
suggestions for changes made by members, speaker set up a committee for the member belonging to different political parties. The committee scrutiny is the bills to see the positive and negative implications. Means यहाँ पर क्या हुआ, बिल जो है डिस्कस हुआ, वहां पर मेंबर्स है वो कुछ सजेशंस चेंज के लिए देते हैं, तो स्पीकर एक कमेटी बना देती है जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, और उस कमेटी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो पॉइंट्स है उसको जो है वो डीपली जो है एग्जामिन करता है. फिर जो है क्या आता है, थर्ड रीडिंग होता है. द बिल इज अ ड्राफ्टेड विद मॉडिफिकेशन सजेस्ट बाय द मेंबर, इट इज द देन पुट टू वोट, इट इज पास्ड इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर अप्रूव, इट गोज टू द अदर हाउसेज एंड गेट्स थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस. थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि जो कमिटी बनी है वो बिल को ड्रॉप करता है, मॉडिफिकेशन जो मेंबर्स ने दिया उनके अकॉर्डिंग, फिर वो वोटिंग के लिए आ जाता है बिल, फिर वहां पर जो मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाता है, और वो जो है नेक्स्ट हाउस में इसी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीडिंग के लिए चला जाता है, देन फाइनली सेंड टू प्रेसिडेंट, दोनों हाउस से पास आउट हो गया. सो द प्रेसिडेंट कैन साइन द बिल और रिटर्न इट विद सजेशन. अब जो है प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट या तो बिल को अप्रूव करेंगे, साइन कर देंगे, या फिर कुछ चेंजेस सजेशंस के लिए सजेशन देकर वो जो है उसको रिटर्न कर सकते हैं. फिर जो है डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, और अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कोई चेंजेस नहीं है तो पार्लियामेंट रिटर्न इट टू प्रेसिडेंट विथ आर विदाउट द सजेस्टेड चेंजेस. द प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट नाउ, इट बिकम अ लॉ आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस इट, दिस लॉ इज कॉल्ड एन एक्ट. सो जब वापस जाता है पार्लियामेंट तो डिस्कस करना चाहे तो चाहे, नहीं होगा फिर वापस आ जाता है वो प्रेसिडेंट के पास. अब की बार प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है. अब ये जो लॉज, ये जो बिल था वो लॉ बन गया और एक्ट के रूप में वो इंप्लीमेंट किया जाता है. तो इस तरीके से एक जो बिल है वो लॉ बनता है. देन थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. आपने जो समझा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो लोकसभा जो है ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, ऐसा कहा जाए तो इसको आपको सही साबित करना है. आंसर देखते हैं. तो एज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल, द हाउस दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स, दैट इज लोकसभा, इज ग्रांटेड मोर पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहां पर जो है पावर है डेमोक्रेटिक कंट्री में जानते हैं कि पीपल्स के हाथ में होता है, तो जो हमारा जो लोकसभा है वो डायरेक्टली जो है किनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, पीपल्स के द्वारा, और इसी कारण से जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को ज्यादा पावर दिया है. एज वी नो द मेन फंक्शन ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ फॉर कंट्री. मतलब हमें पता है कि ये जो पार्लियामेंट है उसका मेन जो काम है लॉ मेकिंग का काम है. सो टू ऑर्डिनरी बिल्स कैन originated in either houses. Money bill can be introduced only in Lok Sabha, and once it passed in the Lok Sabha, it cannot be changed by the Rajya Sabha. मतलब ordinary bill है तो वो कोई भी houses में आ सकता है, but money जो bill है वो सिर्फ Lok Sabha में आते हैं, और Lok Sabha ने उसको पारित कर दिया तो फिर Rajya Sabha उससे related कोई चीजें नहीं कर सकती, सिर्फ suggestion दे सकता है. फिर भी अब जब वापिस आउट चला जाता है तो Rajya Sabha को pass out करना पड़ता है. So it can only make suggestion for changes which Lok Sabha may or not may accept it. So the Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. So इस कारण से हम कह सकते हैं कि भी सजेशन को माना नहीं माना कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो मनी बिल के मामले में या फिर अदर जो बिल्स के मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से. देन नेक्स्ट आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. पिक्चर में फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका पिक्चर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट प्रोसेस डज पिक्चर शो. यहाँ पर दो क्वेश्चन है ना, तो वो इलेक्शन वाला प्रोसेस है. ये जो पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो महिला है अपना वोट कास्ट करने गई, तो इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है. हाउ ऑफ्टन इन दिस प्रोसेस हेल्ड इन इंडिया, तो इंडिया में ये जो प्रोसेस है कैसे होता है, तो जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years इन इंडिया. मतलब नॉर्मल जो जनरल जो इलेक्शन होता है वो एवरी 5 years में इंडिया में होता है, आफ्टर 5 years. देन थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट. मतलब ये बहुत ही जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए. तो हम यहाँ पर आंसर देखिए तो पीपल्स को जो पार्टिसिपेशन है इन द गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री बाय चूजिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस, मींस जो ये जो प्रोसेस है तो पीपल्स इसमें जो है गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वो जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर सकते हैं, और अपने रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन है वो इलेक्ट करते हैं वो किसके थ्रू होता है, इलेक्शंस के थ्रू होता है. देन पब्लिक ओपिनियन, जो डेमोक्रेसी में देखें पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो पब्लिक ओपिनियंस एंड विल इज एक्सप्रेस थ्रू इलेक्शन. साथ ही साथ जो पब्लिक का ओपिनियन है उसके जो विल्स हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस के थ्रू क्या होता है जो डेमोक्रेसी में या फिर गवर्नमेंट के पास जाता है. तो इस तरीके से हम ये जो कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी का जो फंक्शनिंग है वो इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू बहुत ही वाइटल हो जाता है, इलेक्शन बहुत ही वाइटल जरूरी हो जाता है डेमोक्रेसी में.
तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे, आपके हेडेक थे, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।